हुजूर जी, मैं आयशा मंजिल मुक्का चौक के पास 90 गढ़ एमक्यूएम खड़ा हूँ और जानने की कोशिश कर रहे हैं मुस्तफा कमाल वर्सेस अल्ताफ हुसैन के सवाल के ऊपर। मुस्तफा कमाल या अल्ताफ हुसैन? एमक्यूएम। अच्छा, पाकिस्तान जमीन पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे मुस्तफा साहब की? हाँ बिल्कुल भी नहीं। यार ऐसा क्या हो गया मेरे भाई, इतने मशहूर नाजिम रहे, इतना काम क्यों आपके लिए? ठीक है नाजिम रहे, लेकिन उसकी एक वजह थी कि वो नाजिम एमक्यूएम के रिप्रेजेंटेटर के जो है ना अहदे के हिसाब से उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया हुआ था, या नाजिम रहे उन्होंने जो भी काम किया वो सिर्फ और सिर्फ एज अ एमक्यूएम रिप्रेजेंटेटर। मुस्तफा कमाल साहब ने जो बातें की अल्ताफ हुसैन साहब के मुतल्लिक, जो उनका जमीर जागा जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं अल्ताफ साहब, उन्होंने उनकी नशे की बात भी की, उन्होंने उनकी रॉ की बात भी की, वो सारी बातें एक तरफ, अदालत हमारी जो है ना बगैर सबूत के कभी भी फैसला नहीं सुनाती, तो अवाम क्या चीज है जो बगैर सबूत के जो है ना अपना तो सबूत साबित होगा अल्ताफ साहब का, तब आप सोचेंगे कि देना कि नहीं वोट। अभी अल्ताफ साहब के साथ अल्ताफ हुसैन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कराची में जितने भी काम हुए सिर्फ अल्ताफ हुसैन की वजह से हुआ। मुत्तहिदा जब इक्तदार में नहीं थी उससे पहले कराची में क्या काम हुआ? जीरो। आपके बंदे भी तो बड़े मारे गए ना, जो 90 कारकुन पकड़े, टारगेट किलर पकड़े गए, उन्होंने आपको भी बड़ा मारा आपके लोगों को। सर साबित हो गया? साबित कहीं नहीं हुआ ना। इल्जाम तो है ना सर, इल्जाम होने से तो, इल्जाम तो सर आसिफ जरदारी पे भी है ना, आसिफ जरदारी पे भी इल्जाम। जरदारी साहब याद है कैसी गवर्नमेंट चल रही है पीपल्स पार्टी की? इधर सर जीरो चल रही है, कहाँ चल रही है गवर्नमेंट उसकी? यार कायम अली शाह साहब रातों को जाकर छापे मारते हैं अब तो भाई। सर कायम अली शाह दिन में भी सो रहे होते हैं, रात में कहाँ उठेंगे? वो एक टेलीफोन ऑपरेटर था, उसकी हैसियत क्या थी? 5000 रुपए महाना वजीफे में काम करता था वो शख्स, उसको तो बताया अल्ताफ हुसैन ने, उसकी हैसियत क्या थी इस पाकिस्तान के अंदर? आज वो बातें लंबी लंबी कर रहा है कि मैं वादा माफ कब ला दूंगा, लोगों का माफ कर दो जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ, इससे पहले क्यों कहा उसने? आसन मेरे भाई जमीर जमीर इंसान का, वाह ऐसा जमीर, ऐसा जमीर जो 20-25 साल के बाद जाग रहा है, ऐसा जमीर जो उस पार्टी में रहते हुए कल तक वो आपका बाप रूहानी बाप कहता है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मौत से पहले कभी भी तोबा हो सकती है, तो तोबा आप भी कर रहे ना? ऐसे जान छोड़ा तोबा कर रहे अभी किससे? ऐसे लोगों से जो ऐसे हमारे जो तो जो इस पुल के अंदर तफरी पैदा कर पार्टी का, इतने बड़े बड़े नामों के साथ बड़े नाम यार, रजा हारून कौन सा रजा हारून, किसके रजा हारून? रजा हारून क्या था? डॉक्टर सजीर क्या था? सजीर एक पतला सा दुबला इंसान, सूखा सा यार, स्मार्ट आदमी, मार्टन क्वार्टर के छोटे से मकान में रहने वाला शख्स, आपके पास खाने को अपने पैसे जो होते ठीक मांगे पैसे लोगों से लिया करता था, आज वो लैंड क्रूजर में घूम रहा है, उसकी औकात क्या थी? अपने पीए को उसने मकान बनाकर चलेडी के अंदर दिया, कहा सजीर ने अनीस कायम खानी, अनीस कायम का नाम क्या नाम? अनीस कायम खानी की हैसियत ये थी उसको धक्के देकर रेलवे सेक्रेटरी से निकाल दिया गया था, आज से पहले उसको धक्के देकर रेलवे सेक्रेटरी से निकाल दिया गया था। अंकल आप तो बहुत ही गुस्से में है, मेरा गुस्से में होंगे ना, इसलिए गुस्से में हूँ कि उन्होंने जिस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल किया, जिस शख्स के लिए जिससे शनाख्त उसकी थी उसने उसके लिए लैंग्वेज इस्तेमाल किया, तो कल इसके लिए कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा? टेररिस्ट पकड़े गए 90 के बारे में क्या ख्याल है? कौन सा टेररिस्ट पकड़े गए? 90 टेररिस्ट पकड़े गए, कौन पकड़ा गया? अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद भी कहा ऐसे टेररिस्ट को जगह 90 से कोई नहीं पकड़ा गया, 90 के अतराफ से पकड़ा गया, 90 के बाद अतराफ किया, यहाँ से अगर पकड़ लिया जाए तो 90 का अंकल मेरी तो बात सुन ले, 90 अंदर जो उनका सेक्रेटरी वहाँ से पकड़े गए, आप वीडियो से देखिए, वहाँ से मैं देखी वीडियो, आप लोग आपके चैनल दस्तावेज दिखाइए जा रही है, दिखाइए सबको दिखाया उन्होंने, ये दायरा लगा लगा कर दिखाया उन्होंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा असल में सबको ला करके पकड़ कर छोड़ा गया, वो जो स्कॉटलैंड यार्ड ने अल्ताफ हुसैन साहब के घर रेड मारी और वहाँ से वो जो असले की लिस्टें मिली इंडिया से रॉ से जो उनका लिंक बन रहा है उसमें आपके उनके घर से मिली है ना? किनके घर से? उन्होंने सरफराज मिर्चे से निकली है अल्ताफ हुसैन साहब के एजुकेटर रोड, साबित नहीं हो सका तक, अगर साबित हो गया फिर क्या करेंगे? साबित तो फिर देखा जाएगा, आप पाकिस्तान के साथ होंगे अल्ताफ हुसैन साहब के साथ होंगे? साथ होंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे, क्यों होंगे? हम पाकिस्तान दिया क्या हमें भाई? अच्छा हमारी शराब तुमसे छीन लिए, हमने अपने माँ बाप या बॉस दादा सब कुछ छोड़ दिया, अगर ये साबित हो जाए कि अल्ताफ हुसैन साहब टेररिस्ट है खुदा ना खास्ता, क्यों साहब के टेररिस्ट साबित कौन करेगा? पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे, अल्ताफ हुसैन के साथ होंगे, अल्ताफ के साथ होंगे, रेंजर और फौज को आप सलूट करते हैं जो हमें लेके? अच्छा वेरी गुड, बिल्कुल सलूट करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब ने नई पार्टी लॉन्च कर दी है, पाकिस्तान जमीन पार्टी, पता कि नहीं पता आपको उसका? बिल्कुल बहुत अच्छी तरह पता है, ये तो फसली है और बरसाती है। जनाब मुस्तफा कमाल या अल्ताफ हुसैन? मैं तो इसे नहीं डरना, आपने खौफ नहीं बताया, सारे खड़े में डरना नहीं इनसे, यहाँ मैं तो न्यूट्रल हूँ भैया। अल्ताफ हुसैन साहब अगर यहाँ किसी कुत्ते को भी खड़े कर देना तो आई एम श्योर कि वो जीत जाएगा यार, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन में चेंज लानी पड़ेगी कि जानवरों को खड़ा करें, मतलब तो अच्छा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और रहा सवाल कि आज भी एक विकेट गिर रही, दो विकेट गिर रही, तीन विकेट गिर, मैं ये कहता हूँ, ये दिस माई प्रिडिक्शन, कि अगर ये पूरी की पूरी राबता कमेटी भी मुस्तफा कमाल को ज्वाइन कर लेना, आई एम श्योर कि सिर्फ एक आदमी के कहने पर मुत्तहिदा गवर्नमेंट पूरे कराची में, अल्ताफ हुसैन साहब के बाद हर इंसान ने मरना है जो है के बाद, आपके ख्याल में अगर उनकी डेथ के बाद आप किसको सपोर्ट करेंगे, फारूक सत्तार को, हैदराबाद को, या मुस्तफा कमाल को? जिसको अल्ताफ हुसैन कहेंगे किसके लिए वोट आपका यार? पाकिस्तान जमीन पार्टी कोई मूवमेंट, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, कुछ तो बताओ यार वोट क्यों भाई, क्या बात सर? 78 से देखते आ रहे,
क्या लसानी फसादात देखते आ रहे, 78 से खून देखते आ रहे, माजरों पख्तून मार रहे एक दूसरे को। ये सर डिसाइड का हुआ भी कि इससे मुतालिक कोई मूवमेंट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ देखते यही आ रहे ना कराची में। आप वो अमन लेके आएंगे, मुस्तफा अकमल साहब कह रहे हैं अमन लेके आएंगे, वो आम माफी की बात कर रहे हैं। कैसे एश्योर्ड है कि वो अमन लेकर आ जाए? आप मौका देंगे तो पता चलेगा ना। मौका तो सर बहुत सारे लोगों को मिला, कराची में जो आया उसको मौका मिला। अच्छा इमरान को भी, इमरान खान को भी वोट नहीं आपका, पीपल्स पार्टी को भी, जमात इस्लामी को भी मौका मिला, ANP को भी मौका मिला, PTI को भी मौका मिला, अब चौथे उम्मीदवार यहाँ, ये भी मुंह की खा के जाएंगे आपको पता।